हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ सेजवान सैंडविच। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस होता है। इसमें जो हमने चीज़ डाली है, ये देखिए कितने अच्छे तरह से मेल्ट कर रही है। अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये सैंडविच वाले ब्रेड लिए हैं, मोजरेला चीज़, जिसे हमने घर पर बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टोमेटो सॉस, देसी घी, आप चाहें तो बटर ले सकते हैं। सेजवान चटनी, ये हमने कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च लिए हैं। अब हम टोमेटो सॉस में सेजवान चटनी मिलाएंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से सैंडविच में एक अलग टेस्ट आता है। आप चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। अब हम ब्रेड लेंगे और इस चटनी को इस पर स्प्रेड करेंगे, अच्छी तरह से फैलाएंगे। किनारों की ओर भी अच्छी तरह से लगाएंगे। अब हम ब्रेड स्लाइसेस पे शिमला मिर्च और प्याज रखेंगे। आप चाहें तो प्याज को बड़े बड़े पीसेस में भी कट करके रख सकते हैं, स्लाइसेस में कट किए हुए। अगर आपको और भी वेजिटेबल्स पसंद है, जैसे धनिया पत्ती, स्वीट कॉर्न, टमाटर, तो आप ये सब भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से रखने के बाद ये हमने जो मोजरेला चीज़ घर पर बनाई हुई है, इसे रखेंगे। इसे हम किसी भी तरह से रख सकते हैं। रखने के बाद चाकू की हेल्प से इसे फैला लेंगे। चीज रखने के बाद हम इस पे दूसरी ब्रेड स्लाइस रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। अगर आपको सेजवान चटनी नहीं पसंद है तो आप सिर्फ टोमेटो सॉस, या अगर टोमेटो सॉस नहीं पसंद है तो आप सिर्फ सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, या अगर आपको ग्रीन चटनी पसंद है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब हम एक गर्म तवे पे सैंडविच के ब्रेड्स को रखेंगे। एक साथ हम दो सैंडविच बना सकते हैं। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे सिकने देंगे। ऊपर से हम इसमें देसी घी लगा लेंगे। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। हल्का सिकने के बाद हम इसे पलट लेंगे और फिर इस साइड भी हम देसी घी लगाएंगे। हमें इसे बीच बीच में पलटते हुए सेकना है और इसे हम कवर भी कर देंगे। अच्छी तरह सिक जाने के बाद हम इसे हल्का सा चेक करेंगे। ये देखिए चीज कितने अच्छे तरह से मेल्ट हो रहा है। अब हमारी सैंडविच अच्छे तरह से सिक चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम एक पिज्जा कटर के हेल्प से इसे कट करेंगे। आप चाहें तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सैंडविच चीज़ कितने अच्छी तरह से मेल्ट कर रहा है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। हमारी चीज़ सेजवान सैंडविच बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसा बना है। और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।